आइए आज हम आपको बताते हैं क्या थी करणजीत कौर उर्फ सनी लियोनी की कहानी। करणजीत का जन्म 13 मई 1981 को सार्निया ओंटारियो कनाडा में हुआ था, पर जैसे ही वो 13 साल की हुई तो उनकी पूरी फैमिली ऑरेंज काउंटी कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गई। सनी काफ़ी अकेली रहती थी क्योंकि वहाँ का लाइफस्टाइल काफ़ी अलग और महंगा था। पर जब करणजीत 18 साल की हुई तो उनको एक मैगजीन से ऑफर आया जो कि पेंट हाउस मैगजीन थी। करणजीत इस बात से काफ़ी खुश थी कि उनको एक किसी मैगजीन से ऑफर आया है, पर जब उनको पता चला कि ये एक एडल्ट मैगजीन है तो वो काफ़ी निराश हो गई। वहाँ पर उनको 10 से 15 हज़ार डॉलर ऑफर करे गए। करणजीत के लिए उस टाइम पैसे बहुत ज़रूरी थे क्योंकि उस टाइम उनकी फैमिली की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। करणजीत ने फिर पेंट हाउस मैगजीन के लिए शूट किया था और उसने ये बात अपने भाई सनी सिंह वोहरा को बता दिया और वहीं से उनकी जर्नी की शुरुआत हुई, जहाँ पे उनको सनी लियोनी के नाम से जाना जाने लगा। सनी ने अपनी फैमिली को मैगजीन शूट के बारे में कभी नहीं बताया था, लेकिन एक इंटरव्यू में उनकी फैमिली को पता पड़ गया कि उन्होंने एक एडल्ट शूट किया है, जिसके बाद वो करणजीत से काफ़ी नाराज़ हुए। ऐसे में करणजीत ने अपना सफ़र एडल्ट इंडस्ट्री में शुरू कर दिया था, जिसके चलते उनकी मुलाकात डैनियल वेबर से हुई। दोनों ने एक साथ कई सारी एडल्ट मूवी भी की। इसके बाद करणजीत ने डैनियल वेबर से शादी करने का फैसला लिया और उसके बाद उनको बिग बॉस में आने का ऑफर मिला और धीरे धीरे उनको फिल्में भी मिलने लगी। तो ये थी करणजीत कौर उर्फ सनी लियोनी की कहानी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।